नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में। और जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। और आप लोग हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी इंस्टाग्राम आईडी है नागवंशी फैमिली। वहाँ पर मैं प्यारे प्यारे जो है रील्स डालती हूँ, तो उसको देखने के लिए आप लोग फॉलो ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों के कोई सुझाव हो, कोई कुछ बातें डिस्कस करनी हो तो कमेंट बॉक्स में भी कर सकते हैं, मेल आईडी पे भी कर सकते हैं। और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों के जो है क्वेश्चन का आंसर देने का, और या तो मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करती हूँ। तो आज की क्या प्रॉब्लम है, आज का जो है मुझे कमेंट आया था, ज़्यादा उम्र की औरतें ही क्यों ज़्यादा एक्टिव होती हैं, मतलब सेक्सुअली क्यों एक्टिव होती हैं, और क्या उनको ज़्यादा नॉलेज होती है क्या। तो मैं बता दूं कि ज़्यादा उम्र की औरतों को जो है एक्सपीरियंस सेक्स का ज़्यादा होता है, ये तो सही बात है। क्योंकि कोई जो है पेट में से सीख के नहीं आता। जैसे हमारी शादी हुई और कोई शादीशुदा महिला है और उस 10 साल 12 साल 15 साल जो है उसकी शादी हुई हो गया है, तो उसको एक्सपीरियंस उतना ज़्यादा होगा ना कि जो है जिनकी शादी जो है 1 साल 1.5 साल या 6 महीने 7 महीने हुए उनको एक्सपीरियंस जो है सेक्स की ज़्यादा होगी। तो इन सब बातों पे जो है गौर जरूर करना चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं क्या वो वैसी महिलाएं जो हैं जो ज़्यादा उम्र की होती हैं वो जो है जल्दी सेटिस्फाइड हो जाती हैं, जल्दी तैयार हो जाती हैं क्या जो है सेक्सुअली जो है संबंध बनाने के लिए। देखिए हर उम्र की अपनी एज जो है जो एज होती है हर उम्र की, और तो अपने अपने जो है अनुभव होते हैं, अपना अपना एक्सपीरियंस होता है सबका। तो जल्दी या देर में तैयार होने वाली बात नहीं है, बात यह है कि आपका मूड है कि नहीं है कुछ करने का। अगर आपका मूड कुछ है करने का तो आप कर डालो, समय क्यों लगा रहे हो भाई, जल्दी से उस चीज़ को करके ख़त्म करो। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं, कुछ लोग ये सोचते हैं कि जो है उस चीज़ को इंजॉय किया जाए, उससे जो है थोड़ा इंजॉय करके किया जाए, जिससे जो है हम जो है अपने अंत तक जब पहुँचे ना तो हमको जो है जो वो खुशी मिलनी चाहिए शरीर में जो है वो हमें जो है वो मिलना चाहिए कि हमारा शरीर, हमारे शरीर की जो थकान है, जो हमारे दिमाग में टेंशन है वो सब दूर हो जाए। इस तरीके से इंजॉय मतलब कुछ लोग करते हैं। तो सबका अपना अपना तरीका होता है। कुछ लोग जो है इससे जो है ऐसे सोचते हैं मशीन की तरह, चलो मूड हुआ कर लिया बात ख़त्म, ऐसे नहीं होता है। अगर आपको जो है इस रिश्ते में, किसी भी रिश्ते में अगर जो है आपको जो है लंबे समय तक अगर आपको जो है उस रिश्ते को निभाना, उसको लेके जाना है, तो उस रिश्ते को निभाने के लिए आपको जो है मैच्योरिटी अपने अंदर ज़रूर लानी चाहिए। हर चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए, ना कि अगर आप जो है जैसे नए नए जो है मेंस होते हैं या लेडीजे होती हैं तो उतनी मेच्योर नहीं होते, उनके अंदर उतनी मेच्योरिटी नहीं होती है जितना जो है ज़्यादा एज के औरत और मेंस दोनों में होता है। तो अपनी मेच्योरिटी को दिखाने की ज़रूरत नहीं है, आप उसको जो है जता सकते हो और करके दिखा सकते हो। तो संबंध बनाने के लिए पहले फोर प्ले जरूर करें, कोई भी हो, चाहे कम उम्र का हो चाहे ज़्यादा उम्र का हो। ज़्यादा उम्र की औरतें जो है उनको अनुभव ज़्यादा होता है, लेकिन कुछ औरतें ये होती हैं उनको जो है जैसे उनका मूड जो है जल्दी नहीं बनता है। रीज़न क्या होता है, घर के कामों में व्यस्त रहती हैं और उनके दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा होता है। तो उस चीज़ को निकालने के लिए आपको या तो जो है 2-3 घंटे पहले से प्लानिंग करनी पड़ेगी, या तो जो है उस चीज़ को अगर आपको मूड जो है काफ़ी अच्छे से बनाना है तो कुछ इस तरीके की फिल्में भी मतलब हैं जिनको आप देख के जो है काफ़ी अच्छे से मूड बना सकते हो, उस चीज़ में रम सकते हो और थोड़े देर तक आप टिक सकते हो। पोर्न वीडियो देखना कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एक लिमिट होती है हर चीज़ देखने की, जिससे क्या होता है ना हमारा दिमाग जो है इतना ना देखे कि हमारा दिमाग हमेशा उसी तरफ जाए, पोर्न वीडियो की ही तरफ जाए। क्योंकि कोई चीज़ अगर ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है ना, जैसे क्या कहते हैं मीठा अगर ज़्यादा हो जाता है तो उसमें जो है कीड़े लग जाते हैं। तो कोई सी ज़रूरत से ज़्यादा मत कीजिए, जो लिमिट होती है ना उस लिमिट को क्रॉस करने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि जो है जब आप क्रॉस कर देते हो ना तो वहीं पे रिश्ता क्या होता है
या तो जो है रिश्ता जो है टूटने लगता है, या तो रिश्ते में दरारें पड़ने लगती हैं और कोई तीसरा उसका जो है बहुत अच्छे से फ़ायदा उठा लेता है। तो अपने रिश्ते को इतना मीठा भी ना बनाओ, हर चीज़ करो लेकिन थोड़ा जो है सोच समझ के करो, मेच्योरिटी ला के करो। और चरम सुख तक पहुँचने के लिए जो है आपको जो है किसी क्या कहते हैं अनुभव की ज़रूरत नहीं है या किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है। बस आपका मूड होना चाहिए काफ़ी अच्छा, ना कि टेंशन में होना चाहिए। अपने मूड को पहले आप सही करो, अपने जो कमरा आपका होता है उसको जो है आप खुशबूदार कर सकते हो, रूम फ्रेशनर वगैरह आता है उसको आप यूज़ कर सकते हो। और अपने माइंड को थोड़ा फ्रेश करने के लिए आप नहा धो के अगर इस चीज़ को करते हैं ना तो और अच्छा रहता है, क्योंकि तब आपकी बॉडी जो है कुछ रिलैक्स हो जाती है, जो आपकी बॉडी में पेन हो रहे होते हैं वो भी थोड़े कम हो जाते हैं। ज़्यादा इंजॉय करने के लिए आप जो है मसाज कर सकते हैं। मसाज का जो है क्या कहते हैं एक डेढ़ घंटे तक एक दूसरे की मसाज कर सकते हैं और फुल न्यूड हो सकते हैं। लेकिन जहाँ जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं तो इन चीज़ों का ज़रूर ध्यान रखें कि फुल न्यूड अगर आप हो रहे हैं तो आपके बच्चे जो है अगर छोटे हैं तो जग सकते हैं, और अगर बड़े बच्चे हैं तो आ सकते हैं, कभी भी दरवाजे पे दस्तक दे सकते हैं। कुछ लोग जो है क्या करते हैं जो है किसी चीज़ की जो है परवाह नहीं करते हैं, बस जब मूड हुआ चालू हो जाते हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी ना करें, क्योंकि आपका परिवार है, आपकी परिवार की जिम्मेदारी है, उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रखें और मेच्योरिटी ज़रूर लाएं अपने अंदर। क्योंकि मेच्योरिटी जब आप अपने अंदर लाएंगे ना तो उस चीज़ का एक्सपीरियंस जो है आपको बहुत अच्छा मिलेगा, क्योंकि सब्र का फल बहुत ज़्यादा मीठा होता है। तो सेक्स करते वक्त जो है इन सब बातों का अगर ध्यान आप रखेंगे ना तो काफ़ी जो है रिलैक्सिंग वाला आपका सेक्सटिंग टाइम होगा, जो बेड टाइम आपका होता है काफ़ी जो है खुशनुमा होगा, उसका माहौल जो है काफ़ी अच्छा आप लोगों को लगेगा। और ज़्यादा उम्र या कम उम्र वाली बात नहीं होती है, बात होती है मूड है कि नहीं है। जब आप पूरी तरह से तैयार हो जाते हो ना तो हमारे जो है जो प्राइवेट पार्ट एरिया होता है लेडीजों का, तो वहाँ से कुछ जो है लिक्विड निकलता है, तो उससे क्या होता है पता चल जाता है कि लेडीज़ जो है तैयार है कि नहीं है। अगर सूखा सूखा बिल्कुल है तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि उनका जो है मूड अभी पूरी तरीके से नहीं बना है। इन सब चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो बहुत अच्छी सी लाइफ जो है इंजॉय कर पाएंगे, और छोटी छोटी बातों का ध्यान रख के ही अपनी लाइफ को आप खुशनुमा बना सकते हो और अपनी लाइफ को जो है इंजॉय कर सकते हो। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना, अच्छी लगी हो लाइक सब्सक्राइब शेयर करना, अपना प्यार देना सपोर्ट देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, लव यू, टेक केयर, जय माता दी।